सीएम इंटर पेपर नंबर 7 डायरेक्ट टैक्स एमसीक्यू करा रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स का 100 एमसीक्यू कराएंगे और उसमें आपका मान के चले 40 एमसीक्यू श्योर शॉट आपका एग्जाम में आएगा। ध्यान से सुनिएगा, 99.99% प्रोबेबिलिटी है आपका ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डायरेक्टली क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, द नंबर ऑफ आइडेंटिटीज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। बोलता है पर्सन का जो डेफिनेशन में है उसमें कितना जन को कवर किया गया है, तो 7 जन को कवर किया गया है। देखिए पहला है इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। याद देखिएगा, ठीक है, एओपी मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। याद देखिए, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एग्जाम में ऐसा भी आता है कभी कभी, डिफाइंड पर्सन, पर्सन का डेफिनेशन लिखिए, तो ये लिख दीजिएगा कि 7 जन कवर है और 7 जन में ये है। तो याद रखिएगा पर्सन का डेफिनेशन में 7 आइडेंटिटीज को कवर किया गया है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, द बेसिक एजम्पशन लिमिट फॉर ए रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन। वर्ड में देखिए 3 चीज मेंशन है, सुपर है, सीनियर है, सिटीजन है। अबव द एज इज कितना है? देखिए अभी नया जो टैक्स रिजिम बना है उसमें 3 जन को डिस्क्राइब किया गया है। देखिए कैसे डिस्क्राइब किया गया है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ठीक है, बोलते हैं जिसका एज 60 साल तक है, ठीक है, और एक है एज जिसका 60 से 80 साल तक है, उसको बोलता है सीनियर सिटीजन, 60 से 80 साल तक है। लेकिन एक नया आया है जिसका सुपर सीनियर सिटीजन, मतलब सीनियर सिटीजन के ऊपर वाला, तो 80 साल से जिसका एज है, अबोव 80 ईयर्स, को बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। तो क्वेश्चन में लिमिट किसका पूछा है? सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जान जाइए कि जिसका उम्र 80 साल से ज्यादा है, तो उसका एजम्पशन लिमिट कितना है? 5 साल तक है। देखिए 80 से यदि 60 से 80 साल तक रहता है तो उसका एजम्पशन लिमिट रहता है 3 लाख रुपया, मतलब 3 लाख का इनकम तक उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और नॉर्मली 60 साल तक रहता तो 2.5 लाख रहता। तो सुपर सीनियर सिटीजन का एजम्पशन लिमिट है 5 लाख रुपया। और एक तो कंसेप्चुअल चीज मैं बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा, इंडिविजुअल हैविंग नेट इनकम अप टू 5 लाख विल गेट टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A ऑफ ₹12,500। मतलब जिसका इनकम इंडिया में 5 लाख रुपया तक है, इंडिविजुअल मतलब कोई भी एज लिमिट हो, उसको टैक्स रिबेट मिलेगा 12,500 तक, मतलब 5 लाख तक का इनकम पे उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में आता है कि टैक्स रिबेट का लिमिट क्या है, याद रखिएगा 5 लाख का इनकम होगा तब उसको टैक्स रिबेट मिलता है 12,500 का। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से समझिएगा। इफ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं। डायरेक्टली देखिए, इफ फाइनेंशियल ईयर इज 2021 देन असेसमेंट ईयर क्या होगा। फाइनेंशियल ईयर यदि आपका 2021 होता है तो असेसमेंट ईयर उसी साल का 21-22 होता है। असेसमेंट ईयर एक साल अपवर्ड को लेते हैं लेकिन ईयर वही होता है। तो फाइनेंशियल ईयर यदि आपका इनकम टैक्स में 2021 बोला गया है तो उसी ईयर का असेसमेंट ईयर 21-22 को बोलेंगे, ठीक है। फॉर द पर्पज ऑफ लेविंग टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, माने इनकम बोला है फॉर द पर्पज ऑफ लेविंग टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर होगा यूनियन लिस्ट कंटेन एंट्री नंबर 82। याद रखे यूनियन लिस्ट रखा लिखा ही रहेगा तो एंट्री नंबर 82 याद रखेगा, यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 82, बस इतना याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग इज नॉट ए हेड ऑफ इनकम। देखिए इनकम का 5 हेड होता है, ठीक है, 5 हेड्स ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, ये 5 हेड ऑफ इनकम होता है। इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कोई हेड्स ऑफ इनकम नहीं है। इफ टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन इज 3,77,888.34 इट शेल बी राउंडेड ऑफ। याद रखिए राउंडेड ऑफ का कहानी 5 से चालू होता है, यदि 5 के नीचे रहा तो आप इस साइड माने कम साइड राउंड ऑफ कर दीजिएगा, और 5 से ऊपर रहा ये लास्ट डिजिट तो आप अपवर्ड साइड राउंड ऑफ कर दीजिएगा। तो देखिए 3 हमको लास्ट का डिजिट देख रहा है, 8 देख 8 है, मतलब 5 से ऊपर है तो 88 है, उसका अपवर्ड कितना होगा 90 में कर दीजिएगा। यदि यदि 83 या 82 रहता तो हम 80 में राउंडेड ऑफ कर देते हैं। तो याद रखिएगा 5 से कितना ऊपर है वो देखना आपको, यदि 5 से ऊपर रहा तो राउंडेड ऑफ पूरा ऊपर प्लस साइड में मारिएगा, तो 367,890 इज द राउंडेड ऑफ, ठीक है।
इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट टैक्स. इनकम टैक्स याद रखिए डायरेक्ट टैक्स. जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है. जो टैक्स गवर्नमेंट आपसे डायरेक्टली कलेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स. आपको डायरेक्टली गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना पड़ता है, इसीलिए यह डायरेक्ट टैक्स है. मिस्टर ए, देखिए मिस्टर ए जब भी नाम वर्ड आ जाए, किसी का भी नाम रहे वो इंडिविजुअल होता है, याद रखिएगा. मिस्टर ए पार्टनर ऑफ एम एस एबीसी. एबीसी का एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, उसका पार्टनर है. इज एसेसेबल एज एन इंडिविजुअल. जब भी किसी का नाम आए वो इंडिविजुअल ही होता है, एन इंडिविजुअल. क्वेश्चन नंबर 9. एन हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली सेट टू बी रेसिडेंट इन इंडिया. एन एच यू एफ को रेसिडेंट इन इंडिया बोलेंगे यदि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर होल्ली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया. यदि एच यू एफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल्ली हो या पार्टली इंडिया में सिचुएटेड होगा तो उस एच यू एफ को रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलेंगे. एन एच यू एफ इज सेट टू बी रेसिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर होल्ली और पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया. क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिएगा, समझिए क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, ठीक है. बोलता है एन इंडिविजुअल बीइंग फॉरेन नेशन कम टू इंडिया फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021. प्रीवियस ईयर कौन सा दिया है? 2021. ऑन कब आया वो? 1 जनवरी 2021 को आया फॉर 200 डेज. हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 के लिए उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पूछता है. तो याद रखिएगा प्रीवियस ईयर 2021 में इंडिया में कितना महीना रहा? जनवरी, 1 जनवरी को आया था. तो जनवरी रहा, फरवरी और मार्च तीन महीना रहा, मतलब सिर्फ 90 दिन रहा. तो 90 दिन के हिसाब से नॉन रेसिडेंट हो गया वो, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12. फॉलोइंग इनकम ऑफ ए रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट इज टैक्सेबल इन इंडिया. कौन सा इनकम रेसिडेंट और ऑर्डिनरी रेसिडेंट का इंडिया में टैक्सेबल है? एकदम ध्यान से सुनिएगा. बैंक इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, इंडिया में जो इनकम कमाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से वो टैक्सेबल है. प्लस रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. इंडिया के बाहर यदि उसका कोई प्रॉपर्टी है उसका भी यदि रेंट इनकम आएगा तो वो भी टैक्सेबल इंडिया में हो जाएगा, याद रखिएगा. तो फॉलोइंग इनकम ऑफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दोनों चीजें देखिएगा, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये दोनों रहा तो इंडिया का जो प्रॉपर्टी पे टैक्स आया, इंडिया का जो बैंक पे इंटरेस्ट आया वो भी टैक्सेबल, और बाहर का प्रॉपर्टी का रेंट भी टैक्सेबल हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चर इनकम. एग्रीकल्चर इनकम कौन सा है? बहुत सिंपल सा, देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम ए फर्म एंगेज इन एन एग्रीकल्चर ऑपरेशंस. यदि फर्म किसमें इन्वॉल्व होना चाहिए? एग्रीकल्चर ऑपरेशन में यदि फर्म एंगेज है तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट टैक्सेबल होगा एज ए एग्रीकल्चर इनकम. विच ऑफ द फॉलोइंग उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इनकम. शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर्स फ्रॉम ए फर्म. शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनर यदि फर्म एग्रीकल्चर ऑपरेशन में इंगेज है तो उसी को एग्रीकल्चर इनकम बोलेंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम रिसीव बाय एन एसएससी आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10. सेक्शन 10 सुनते ही आपका माइंड में आना चाहिए एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10 में. सेक्शन 10 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एग्रीकल्चर इनकम. विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम रिसीव बाय एन एसएससी आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10. सेक्शन 10 मींस एग्रीकल्चर इनकम. Employer contribution to unrecognized provident fund is exempt from tax. यार देखिएगा employer contribution से, भूलिएगा मत, employee नहीं है, employer contribution से unrecognized provident fund is exempt from tax. Standard deduction under section 16 sub clause 1 क्या है? Lower of 50,000 और gross salary और 50,000 में जो कम होगा उतना का standard deduction मिल जाएगा. इंडिविजुअल हैविंग नेट इनकम अप टू 5 लाख. यदि इंडिविजुअल का इनकम 5 लाख है तो उसको टैक्स रिबेट कितना मिलता है? पहले बताएं 12,500 तक का टैक्स रिबेट मिलेगा. क्वेश्चन नंबर 19. इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ, इंडिविजुअल और एचयूएफ एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्टेड. इंडिविजुअल और एचयूएफ का एग्रीकल्चर इनकम क्या है? एग्जेम्प्टेड है बट इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम फॉर द रेट पर्पस. बट इंक्लूड होता है टोटल इनकम में रेट पर्पस के लिए, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखिए. क्वेश्चन नंबर 20. इन केस ऑफ एन एसएससी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी. ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है, तब उसका एग्रीकल्चर इनकम क्या होगा? इज नील. उसका एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर्पस के लिए नील मान लेंगे.
इफ इन केस इन केस ऑफ एन एसएससी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी है, याद रखिएगा, हिज एग्रीकल्चर इनकम इज नील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, रेमुनरेशंस टू ए पार्टनर्स ऑफ ए फर्म एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया इज पार्सली एग्रीकल्चर इनकम है एंड पार्सली नॉन एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। याद देखिए, रेमुनरेशंस टू ए पार्टनर्स ऑफ ए फर्म एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर इन इंडिया इज पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम है एंड पार्शियली नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। फॉलोइंग एक्टिविटीज शैल बी कंसिडर एज एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इस सबको एग्रीकल्चर एक्टिविटी बोलते हैं। कौन सा है, याद देखिएगा, बेसिक प्लस, सिर्फ बेसिक रहा या बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इन एग्रीकल्चर लैंड रहा, दोनों चीज कवर हो जाएगा। बेसिक प्लस या बेसिक प्लस सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इन एग्रीकल्चर लैंड, ये दोनों चीज कवर होगा। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव सैलरी नॉट चार्जेबल टू टैक्स, या देखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव सैलरी नॉट चार्जेबल टू टैक्स एज स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या देखिएगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 3 लाख रुपया। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लीव सैलरी नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज ₹3 लाख। स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी बताया, लवर ऑफ 50,000 और ग्रोस सैलरी विच एवर इज लवर। एम्प्लॉयर है, याद रखिए, एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एजेम फ्रॉम टैक्स। क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी, सैलरी के हेड में ये टैक्सेबल नहीं होता है, सैलरी रिसीव बाय ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का जो मेंबर सैलरी रिसीव करता है वो सैलरी के हेड में टैक्सेबल ही नहीं होता है, मतलब वो टैक्सेबल ही नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैक्सेबल, जो टैक्सेबल ही नहीं है, सैलरी रिसीव बाय ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट वो टैक्सेबल ही नहीं है। स्टैट्यूटरी लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंसेस इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वर्डिंग में याद रखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम पे कुछ नहीं डिडक्शन होता है, कुछ लिमिट नहीं दी गई है, तो निल हो जाएगा, याद रखिएगा। स्टैट्यूटरी लिमिट फॉर डिडक्शन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के नाम पे कोई डिडक्शन लिमिट नहीं है, निल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बीइंग स्वीट इक्विटी शेयर्स एलोटेड बाय द एम्प्लॉयर इज, एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को स्वीट इक्विटी शेयर देता है उसका टैक्सेबल वैल्यू क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड, जिस जब जो फेयर मार्केट वैल्यू रहेगा उस शेयर का माइनस एम्प्लॉय ने जितना अमाउंट पेड किया है, तो फेयर मार्केट वैल्यू माइनस अमाउंट पेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, सैलरी के हेड में ये टैक्सेबल है, कमीशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, याद रखिएगा, कमीशन रिसीव बाय एन एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, कमीशन जो रिसीव करता है डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वो टैक्सेबल है अंडर द हेड सैलरी, ठीक है। नेट एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का नेट एनुअल वैल्यू 0 होता है, नील होता है, याद रखिएगा, नेट एनुअल वैल्यू ऑफ ए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ट्रीटेड एज नील, ठीक है। Who among the following is a specified person? Specified person income tax में किसको बोलते हैं? Director और वह employee जिसका salary कम से कम 15,000 रुपया है, employee salary 15,000 per month। कौन कौन specified employee है? Director है और वह employee जिसका salary 15,000 रुपया है। Deduction under section 24A, subsection A लिखा हुआ है, देखिए 24A में डिडक्शन कितना मिलता है हाउस प्रॉपर्टी में, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, 30% ऑफ द नेट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग हायर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम ऑफ अ सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी एसएससी इज रिक्वायर्ड टू टैक्स लोन ऑन और आफ्टर, एसएससी को कब लोन लेना पड़ेगा, ऑन और आफ्टर 1/4/1999 के बाद, तो याद देखिए, यदि डिडक्शन चाहिए आपको 24B का, तो लोन आपको हायर डिडक्शंस के लिए लोन कब लेना पड़ेगा, ऑन और आफ्टर 1/4/1999, याद रखिएगा, फिर से पढ़िए, फॉर द पर्पस ऑफ क्लेमिंग हायर डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B, ठीक है, एसएससी इज रिक्वायर्ड टू टेक लोन
ऑन और आफ्टर 1/4/1999. फॉलोइंग एसएससी कैन कंसिडर ए हाउस प्रॉपर्टी एज सेल्फ ऑक्युपाइड. कौन कौन? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ. सिंपल सा चीज है. फॉलोइंग एसएससी कैन कंसिडर ए हाउस प्रॉपर्टी एज सेल्फ ऑक्युपाइड. इंडिविजुअल और एचयूएफ दो ही जन को मिला है परमिशन. हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. याद रखिएगा दोनों के हाथ में है. ए हाउस प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. इनकम फ्रॉम सबलेटिंग का इनकम कौन सा हेड में चार्ज होता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. याद रखिए इनकम फ्रॉम सबलेटिंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज नॉट अवेलेबल व्हेन नेट एनुअल वैल्यू. ऑब्वियसली नेट एनुअल वैल्यू जीरो नेगेटिव आएगा तो 30% डिडक्शन लेने का कोई फायदा नहीं है. जीरो का 30% जीरो होगा. तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A इज नॉट अवेलेबल व्हेन नेट एनुअल वैल्यू इज जीरो और नेगेटिव. क्वेश्चन नंबर 30. द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दैट कैन बी एमोर्टाइज्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट हैज टू रेस्ट्रिक्टेड टू डेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का कितना परसेंट अलाउएबल है? 5%. रेस्ट्रिक्टेड किया गया है कि 5% कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का आप ले सकते हैं. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का हम कितना ले सकते हैं? सिर्फ 5% ले सकते हैं. याद रखिएगा. एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग इज एन अलाउंस एज डिडक्शन अंडर सेक्शन इतना ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 36(1) में डिडक्शन मिलता है प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग का. किसको मिलता है? कौन सा एसएससी को मिलता है? कंपनी को मिलता है. इनकेस ऑफ कंपनी याद रखिए प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग का जो खर्चा है उसका डिडक्शन सिर्फ कंपनी को मिलता है, इंडिविजुअल को नहीं मिलता है. एक्सपेंडिचर ऑन प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग इज अलाउबल एज डिडक्शन टू कंपनी ओनली, नॉट इंडिविजुअल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन. ठीक है. इन केस ऑफ ए लॉस ए पार्टनरशिप फर्म में क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ रेमुनरेशन टू ए पार्टनर टू द एक्सटेंट ऑफ. लॉस के समय पार्टनरशिप फर्म कितना का डिडक्शन क्लेम कर सकता है इन रेस्पेक्ट ऑफ रेमुनरेशन. याद रखिएगा 1.5 लाख रुपया और रेमुनरेशन पेड विच एवर इज लवर. 1,50,000 और रेमुनरेशन पेड विच एवर इज लवर. A payment of ₹25,000 is made to the road transport operator on 20 February 2021. In case, road transport का खर्चा केस में दिया गया 25,000 रुपया. Consequently, amount disallowable. याद रखिए 40A में amount road transport के समय 35,000 का limit है. यदि 35,000 से ज़्यादा का खर्चा केस में दे देता है road transport के समय, transportation के समय, तब वो डिसअलाउबल हो जाएगा. लेकिन ये 35,000 से कम है, 25,000 का पेमेंट किया गया है रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर को. याद रखिए रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर का लिमिट 35,000 का है. यदि खर्चा डिसअलाउबल होगा अंडर सेक्शन 40A में, मतलब रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर का को हम लोग 35,000 से ज़्यादा कैश में नहीं दे सकते. यदि देंगे तो डिसअलाउ हो जाएगा. यहाँ सिर्फ 25,000 दिया गया है तो डिसअलाउ जीरो होगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 42 ये खाली सुन लीजिए, बता दिए पहले. अंडर सेक्शन 54 कैपिटल गेन विल बी अलाउड एज एजम्पशन इफ द हाउस प्रॉपर्टी अंडर ट्रांसफर इज हेल्ड फॉर मोर देन 24 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 43 व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इमोवेबल प्रॉपर्टी याद रखिएगा फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन सेल भी कितना होगा? एक्चुअल कंसीडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी विच एवर इज हायर. याद रखिए एक्चुअल कंसीडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ट्रांसफर विच एवर इज हायर. एक्चुअल कंसीडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी जो हायर होगा उसी को लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन के नाम पर. ठीक है. पर्सनल इफेक्ट डू नॉट कवर द फॉलोइंग. पर्सनल इफेक्ट में क्या चीज कवर नहीं है? इमोवेबल प्रॉपर्टी, ड्रॉइंग एंड ज्वेलरी कवर नहीं है. पर्सनल इफेक्ट डू नॉट कवर द फॉलोइंग: इमोवेबल प्रॉपर्टी, ड्रॉइंग एंड ज्वेलरी. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट टैक्सेबल. एज टैक्सेबल नहीं है क्योंकि एज रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर एज कैपिटल एसेट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड टैक्सेबल नहीं है क्योंकि रूरल एग्रीकल्चर लैंड को कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं.
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है सेल ऑफ इक्विटी शेयर का, तब वो कवर है सेक्शन टिबल 1A में और उस पर टैक्स लगेगा 15%। ठीक है, कवर है टिबल A1 में, उस पर टैक्स लगेगा 15%। क्वेश्चन मनी फॉरफिटेड बाय द एसएससी इज, या देखिए क्वेश्चन मनी जो फॉरफिटेड हो रहा है वो क्या है, टैक्सेबल है इन द ईयर ऑफ फॉरफिटर, जिस साल फॉरफिटेड हुआ उस साल टैक्सेबल है, और कौन सा हेड में है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, याद रखिए अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो क्वेश्चन मनी फॉरफिटेड हो रहा है ईयर ऑफ फॉरफिटेड में टैक्सेबल है, और किस हेड में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। इंटरेस्ट ऑन डिले कंपनसेशन और इनंस कंपनसेशन इज टैक्सेबल ऑन रिसीव बेसिस, याद रखिए इंटरेस्ट जो है डिले कंपनसेशन और इनंस कंपनसेशन में जो इंटरेस्ट मिलता है वो रिसीव बेसिस में टैक्सेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन डिले कंपनसेशन स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड, 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, याद रखिएगा व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन डिले कंपनसेशन स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड 50%। तो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56(2) सबसेक्शन 10 इज एप्लीकेबल, सब पे एप्लीकेबल है, ऑल एसएससी पे, याद रखिए 56(2) सबसेक्शन 10 सब एसएससी पे एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 51, टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी पे टीडीएस का रेट क्या है, तो 30% का रेट है यदि विनिंग अमाउंट 10,000 से ज्यादा होगा, इफ विनिंग एक्सीड 10,000, याद रखिए लॉटरी पे टीडीएस का रेट क्या है, 30% का रेट है, याद रखिएगा विनिंग अमाउंट 10,000 से ज्यादा होगा। तो फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर अलाउड फ्रॉम डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम पे ये एक्सपेंसेस अलाउ है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल टू द सर्टन एक्सटेंट, याद रखिए इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सर्टन एक्सटेंट तक अलाउएबल है। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग रिसीव इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है, इनकम फ्रॉम रेसिंग एस्टैब्लिशमेंट, इनकम फ्रॉम लॉटरी, ये सब सब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम रेसिंग एस्टैब्लिशमेंट, हॉर्स रेस में आपने जो पैसा जीता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में टैक्सेबल है। ए पर्सन इज डीम्ड टू बी हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, कंपनी में आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कब होगा, जब आप कंपनी का 20% शेयर खरीद लेंगे, तब उसका आप एसोसिएट बन जाएंगे, एसोसिएट कंपनी हो जाएगी वो, और एसोसिएट बनते ही आपका उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ जाएगा। द ओनर ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ द इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी, दूसरा कंपनी का किसी भी कंपनी का 20% शेयर आप खरीद लेते हो तो वो आपकी एसोसिएट कंपनी बन जाती है और आपका उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ जाता है। तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब 20% उसका शेयर खरीदना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 में ये ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 55 ध्यान से देखिएगा, सुन लीजिए खाली एकदम, इनकम ऑफ माइनर इज क्लब्ड, हाउएवर द क्लबिंग प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल इफ माइनर इज हैंडीकैप एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80U, यदि माइनर हैंडीकैप टेस्ट सेक्शन 80U के हिसाब से तो उस पर क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई नहीं होगा, याद रखिएगा हैंडीकैप माइनर पे क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 64 एन इंडिविजुअल हैव सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी इफ ही होल्ड 20% ऑफ द वोटिंग पावर अलोंग विद हिज रिलेटिव, इंडिविजुअल डायरेक्टली इनडायरेक्टली 20% यदि शेयर होल्ड करता है तो उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाता है, बट हियर रिलेटिव डू नॉट इंक्लूड, रिलेटिव में क्या चीज को कवर नहीं किया गया है, फादर इन लॉ को रिलेटिव में कवर नहीं किया गया, याद रखिएगा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के कैलकुलेशन में फादर इन लॉ रिलेटिव का पार्ट नहीं है। कैपिटल गेन ऑन स्लम सेल इज डिपेंड ऑन पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द कैपिटल एसेट बीइंग अंडरटेकिंग ट्रांसफर, सिंपल सा चीज है। क्वेश्चन नंबर 58 में आइए, व्हेन इनकम ऑफ ए माइनर इज क्लब्ड एसएससी विल गेट डिडक्शन, कितना का डिडक्शन मिलता है, इनकम क्लब सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹1500 का, याद रखिएगा इनकम क्लब्ड हो जाता है सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1500। अनअब्जॉर्ब बिजनेस लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड, अनअब्जॉर्ब बिजनेस लॉसेस कितना साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 8 असेसमेंट ईयर, याद रखिए अनअब्जॉर्ब बिजनेस लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, सॉरी ध्यान से सुनिए, कैन नॉट नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मोर देन 8 असेसमेंट ईयर, मतलब 8 असेसमेंट ईयर तक अनअब्जॉर्ब बिजनेस लॉसेस ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते, याद रखिए कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड फॉर मोर देन 8 असेसमेंट ईयर। लॉस फ्रॉम डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस, डेरिवेटिव ट्रेडिंग का जो लॉस है उसको बोलते हैं नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस। अनअब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन
कैन बी कैरी फॉरवर्ड. अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन कितना टाइम से भी आप, कितना टाइम का भी हो, एनी नंबर ऑफ ईयर आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है. तो अनअब्जॉर्ब्ड डिप्रिसिएशन का कोई टाइम लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं हो, कितना भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, कितना साल का भी. याद रखिए डिडक्शन अंडर 80C, 80 टेबल सी लिखा हुआ है, 80C याद रखिए, 80C सुनते ही आप 1.5 लाख रुपए लिख दीजिएगा बस. डिडक्शन अंडर 80C अलाउेबल टू एन इंडिविजुअल फॉर अमाउंट पेड बाय हिम इन एन एन्युटी प्लान ऑफ LIC इज रेस्ट्रिक्टेड टू 1.5 लाख रुपए. डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80E इज अलाउेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ 80E का डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एजुकेशन पे मिलता है. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर एजुकेशन, एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट देते हैं आप, उसका डिडक्शन का मिलता है टी में. 80GG है अवेलेबल फॉर डोनेशन मेड टू रिसर्च एसोसिएशन. याद रखिए 80GG एक अवेलेबल फॉर डोनेशन मेड टू, किसको डोनेशन दिया जाएगा, रिसर्च एसोसिएशन को. डिडक्शन 80JJA इज अवेलेबल इफ द SSC इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग बायोडिग्रेबल वेस्ट. इंगेज इन द बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग बायोडिग्रेबल वेस्ट ऑन डोनेशन टू होम ऑफ द फॉलोइंग 50% डिडक्शन इज अलाउेबल अंडर सेक्शन 80G. 80G 50% डिडक्शन किस में मिलेगा, यहाँ पर राजीव गांधी फाउंडेशन पे. सेक्शन 80QQB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट डील्स विथ रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर. याद रखिए 80QQB किसके लिए है, रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर्स. थर्ड ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, क्या थर्ड ड्यू डेट कितना है, 15 दिसंबर. डिटेल ड्यू डेट का हम यहाँ पर आपको एनालिसिस करा दे रहे हैं. देखिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है एडवांस टैक्स का, ठीक है, जो 10,000 से ज्यादा आपका टैक्स लाइबिलिटी आता है तो आपको एडवांस टैक्स देना पड़ता है. ठीक है, पहला ड्यू डेट क्या है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको 15 जून तक 15% देना पड़ता है. दूसरा है 15 सितंबर तक 45% आपका टैक्स लायबिलिटी जितना आएगा उसका देंगे. थर्ड इंस्टॉलमेंट आपका जितना टैक्स लायबिलिटी आपको लगता है उसका 15 दिसंबर तक देना चाहता है. और फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपको जो है आपका 15 मास तक आप देके पूरा खत्म कर दीजिए एडवांस टैक्स, 10,000 से ज्यादा टैक्स लायबिलिटी आता है. तो इसमें थर्ड ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बोला है 15 दिसंबर होगा. देखिए 15 दिसंबर थर्ड ड्यू डेट, ठीक है, 15 दिसंबर तक 75% आपको पेमेंट कर देना है. ठीक है, एन इंडिविजुअल एस्टिमेट दैट ही इज इक्वल टू पे टैक्स, इसको लगता है कि 1 लाख रुपया उसका एडवांस टैक्स आएगा बाय 15 दिसंबर, हाउ मच, 15 दिसंबर तक उसको कितना जमा कर देना चाहिए, 75% ऑफ टैक्स लायबिलिटी, मतलब 1 लाख का 75% कितना हो गया, 75,000 रुपया उसको जमा कर देना चाहिए. अब क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है एडवांस टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय ऑल SSC ओनली एस्टिमेटेड एडवांस टैक्स लायबिलिटी. यदि आपका कितना इनकम टैक्स आना चाहिए तब आपको एडवांस टैक्स करना चाहिए, 10,000 और 10,000 से ज्यादा यदि हमको लगता है कि मेरा टैक्स आएगा तब हमको एडवांस टैक्स का पेमेंट कर देना चाहिए. ठीक है, ध्यान से सुनिए, देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 71. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 में बोलता है टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट डेज फ्रॉम पेमेंट मेड टू अ रेसिडेंट ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी. विनिंग फ्रॉम लॉटरी में TDS कितना परसेंट कटता है, याद देखिए 30%. विनिंग फ्रॉम लॉटरी में TDS का रेट क्या है, 30%. ठीक है, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट डेज फ्रॉम पेमेंट मेड टू अ रोड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हु डिक्लेयर दैट ही डज नॉट ऑन मोर देन 10 गुड्स कैरेज. उसका गुड्स कैरेज कितना नहीं, गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के पास 10 से कम गुड कैरेज है, 10 से कम गुड्स कैरेज है, 10 से कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका TDS नहीं कटेगा. गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर में याद रखिएगा 35,000 से ज़्यादा का कैश पेमेंट रहता है तो डिसअलाउ होता है, लेकिन उसका TDS में बोलता है यदि 10 से कम है, यहाँ पर बोला है कि 10 से कम है गुड्स कैरेज, तो 10 से कम है तो उसको TDS काटने का दरकार नहीं है उसको, लेकिन पेन फर्निश करना पड़ेगा, पेन नंबर दे देगा और उसको TDS काटने का दरकार नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 10 गुड्स कैरेज है, माने नॉट मोर देन, 10 से कम है या 10 है. ठीक है, ऑन सैलरी टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ सैलरी में TDS कब कटता है, टैक्स कब कटता है, पेमेंट के समय कटता है. ठीक है, सैलरी में TDS कब कटेगा, पेमेंट के समय. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, वेयर द कर्ता ऑफ HUF इज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया द रिटर्न ऑफ इनकम कैन बी साइन बाय. जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो करता है, जो मेन हेड है, वो इंडिया में नहीं है, बाहर घूमने गया है, तो उसके बिहाफ में दूसरा मेंबर करता का, कोई भी दूसरा अडल्ट मेंबर होना चाहिए करता का, कोई अडल्ट मेंबर दूसरा का माने करता का और रिटर्न को फाइल कर सकता है, एनी अदर अडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. ठीक है अदर मेंबर ऑफ HUF साइन कर सकता रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अडल्ट होना चाहिए.
where assessment has not been completed, assessment complete नहीं हुआ आपका, belated income return for assessment year 21-22 can be filed. belated return कब तक file कर सकता है? next year के end तक, याद रखिएगा. तो assessment year 21-22 है, उसका belated return क्या होगा? 31 मार्च 2022 तक file कर देगा, next year, मतलब next year के end तक, ठीक है. उसके बाद बोलता है द नोटिस फॉर मेकिंग स्कूटनी असेसमेंट. स्कूटनी असेसमेंट का नोटिस क्या होता है? जिस साल का जो एंड होता है वहां से 6 महीना के, याद रखे, असेसमेंट ईयर 21-22 है, तो जो जो असेसमेंट ईयर से 6 महीना एंड तक उसका स्कूटनी असेसमेंट का नोटिस इशू करना चाहिए. तो असेसमेंट ईयर कहाँ, 31 मार्च को खत्म हो रहा है, मार्च 22 से 6 महीना तक, मतलब 30 सितंबर 2022 तक असेसमेंट का नोटिस इशू हो सकता है. स्कूटनी असेसमेंट का नोटिस मतलब जिस असेसमेंट ईयर से 6 महीना काम करेंगे, असेसमेंट ईयर जहाँ पर खत्म हो रहा है वहां से 6 महीना, या फिनेंशियल ईयर जहाँ से खत्म हो रहा है वहां से 1 साल के बाद 6 महीना, टोटल 18 महीना, 12 और 6 18 महीना के अंदर स्कूटनी असेसमेंट का नोटिस इशू हो जाना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 77, व्हेन असेसमेंट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, रिवाइज रिटर्न कैन बी फाइल्ड विद इन डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर. रिवाइज रिटर्न कब तक फाइल हो जाना चाहिए? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर. बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कौन सा सेक्शन में कवर है? सेक्शन 144, याद रखिए 144, याद रखिएगा बीजीए का है बेस्ट जजमेंट असेसमेंट. The maximum amount of deduction under section 80 TTA in respect of interest on saving bank account is 10,000. Saving bank account में maximum deduction कितना मिलता है? 10,000 तक का मिलता है. Question number 80. ध्यान से सुनिएगा. That is the most important questions. ध्यान से सुनिएगा. Question number 80. बहुत important question है. खाली आंसर सुनिए याद आ जाएगा. द मॉनेटरी सीलिंग लिमिट फॉर एजम्पशन फॉर ग्रेच्युटी रिसीव अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट इज 20 लाख. सीलिंग लिमिट, द मॉनेटरी सीलिंग लिमिट फॉर एजम्पशन, एजम्पशन का सीलिंग लिमिट क्या है ग्रेच्युटी का अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट इज 20 लाख. व्हेन अनरियलाइज रेंट ऑफ 50,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी इज रियलाइज, 50,000 का अनरियलाइज रेंट रियलाइज हो गया, द अमाउंट लाइबल टू बी टैक्स वुड बी 50,000 पे 15% माइनस कर दीजिए, 15,000 माइनस कर दीजिए 50,000 पे 30%, तो 50,000 पे 15,000 माइनस कर दिए 35,000, द अमाउंट वुड बी लाइबल टू बी वुड बी टैक्स, 15,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, 35,000 पे टैक्स लग जाएगा, ठीक है. मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ 40,000 वाज इंकर्ड बाय मिस्टर ए ऑन हिज मदर बीइंग ए सीनियर सिटीजन, द अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन. याद रखिए 80D में यदि सीनियर सिटीजन का डिडक्शन होगा 40,000 होगा, और सीनियर सिटीजन नहीं रहेगा तो 25,000 का डिडक्शन मिलेगा. तो बीइंग ए सीनियर सिटीजन का यहाँ डिडक्शन 40,000 का मिलेगा. याद देखिए मेडिकल का पेमेंट आप कर रहे हो, मेडिकल एक्सपेंडिचर, तो आपका 40,000 का मिलेगा क्योंकि यहाँ सीनियर सिटीजन है. सीनियर सिटीजन नहीं रहता तो 25,000 का डिडक्शन मिलता. SSC on contribution to the national pension scheme is eligible for a maximum deduction of 50,000. Bahut simple sa hai. Question number 84. Any payment received from an account open under Sukanya Samridhi account rule is exempted. Yaad rakhiye Sukanya Samridhi account ka jo payment receive hoga wo exempted hai. Simple sa hai. The amount of deduction towards health insurance premium paid by individual, यहाँ पर देखिए senior citizen नहीं है, यदि senior citizen रहता तो 40,000 का deduction मिलता, senior citizen नहीं है तो 25,000 का deduction मिलेगा. याद देखिएगा 80D में, ये 80D में cover होता है. The amount of deduction towards health insurance premium paid by individual is limited to 25,000 for non-senior citizen, for senior citizen it is 40,000. 86. फॉरन कंपनी इज लाइबल टू बी सरचार्ज एट 5% इफ द टोटल इनकम एक्सीड 10 करोड़. सिंपल सा चीज है. ए जीरो कूपन बॉन्ड इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन 12 मंथ बिफोर ट्रांसफर. सिंपल सा चीज है. देखिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एजम्पशन अंडर सेक्शन 10C सबसेक्शन 10C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ कंपनसेशन रिसीव फ्रॉम वॉलंटरी रिट्रेचमेंट. वॉलंटरी रिट्रेचमेंट 5 लाख रुपया, ठीक है. The maximum amount of retrenchment compensation, याद रखिए 10-10B, 10-10C का 5 लाख का है लिमिट, और 10-10B का भी 5 लाख का लिमिट है. In the hands of a person when he received from a private scheme not approved by the board is 5 lakhs, याद रखिएगा. Question number 90. Interest payable to a partners by a firm shall not exceed 12% per annum, ठीक है. Chapter 6 से deduction shall not be allowable in respect of income from long term capital gain. Gift received from a trust registered under section 12AA is
नॉट इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। याद रखिए, गिफ्ट यदि ट्रस्ट से कोई गिफ्ट रिसीव करते हो तो इंक्लूडेड नहीं होगा टैक्सेबल इनकम में, क्योंकि 12A का ट्रस्ट है। याद रखिएगा, गिफ्ट रिसीव फ्रॉम ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA इज नॉट इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए क्वेश्चन नंबर 93, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए पर्सन ओन्स फोर गुड्स व्हीकल्स अदर देन हैवी व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स नहीं है, ठीक है। हिज एस्टिमेटेड एनुअल इनकम, यदि अदर देन हैवी व्हीकल्स होगा तो 7500 करके पर मंथ का इनकम ले लीजिएगा आप। 7500 इंटू 12 करने से एक साल का इनकम आएगा, और इंटू 4 कर देंगे तो 4 व्हीकल्स का इनकम आ जाएगा। तो 7500 इंटू 12 इंटू 4 करेंगे तो 360000 आएगा, ठीक है। द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन जनरल प्लांट एंड मशीनरी इज डेस एंड ऑन कंप्यूटर इज डेस। तो जनरल प्लांट एंड मशीनरी पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन 15% है, कंप्यूटर पे 40% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्वायरिंग टू ए पर्टिकुलर एम्प्लॉय बाय वर्चू ऑफ हिज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइजेशन फंड इज 12.5%, ठीक है, पर एनम। इन सच ए केस ओनली 3% ऑफ इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। या देखिए, टैक्स कितना पे लगेगा, सिर्फ 3% इंटरेस्ट पे टैक्स लगता है। याद रखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्वायरिंग टू ए पर्टिकुलर एम्प्लॉय बाय वर्चू ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्निशन फंड इज 12.5% पर एनम। इन सच ए केस ओनली 3% ऑफ इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। सिर्फ 3% इज 12.5% पर टैक्स, सिर्फ 3% पे ही लगता है। देखिए, द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, या देखिए रिटर्न फाइलिंग करने का ड्यू डेट, यदि कोई कंपनी है और जिसका अकाउंट्स ऑडिटेड होता है तो 30 सितंबर, ठीक है, और अदर एसएससी है तो 31 जुलाई, ये नॉर्मल रेट है, डेट है। या देखिए, इस क्वेश्चन में 100 लाख है, ये बाय मिस्टेक से लाख हो गया, करोड़ होगा, ठीक है। द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम इन द केस ऑफ इंडिविजुअल एसएससी हैविंग टर्नओवर अबव 100 करोड़, 100 करोड़ होगा क्वेश्चन में, तो इस 100 करोड़ है मतलब टैक्स ऑडिटेड तो 30 सितंबर होगा। यदि तो उसका ऑडिट नहीं होता और नॉर्मल एसएससी रहता तो 31 जुलाई होता। अब देखिए, मैचिंग का एग्जाम आता है एग्जाम में, इसको देखिए 288B सेक्शन किसके लिए, राउंडिंग ऑफ टैक्स, टैक्स को राउंड ऑफ करता है सेक्शन 228B, ठीक है। सेक्शन 6 डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, सेक्शन 10 एजम्प्टेड इनकम, सेक्शन 45 कैपिटल गेन, एंड सेक्शन 32 इज फॉर डिप्रिसिएशन। ये मैचिंग का एक क्वेश्चन देखिए, रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 139, स्क्रूटनी असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3, सेल्फ असेसमेंट सेक्शन 140A, एंड इंटीमेशन जो है दिया जाता है 143(1) में। अब आगे देखिए, ये बहुत जरूरी है, ये देखिए ICDS जो है ना आपका 10 to ICDS, उसका नाम जरूरी जान के जाइएगा, क्वेश्चन आता ही आता है। पहला वाला अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, तीसरा है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या अकाउंटिंग पॉलिसी, दूसरा इन्वेंट्रीज के ऊपर है, तीसरा कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, चौथा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, पांचवा है टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, छठा इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, सातवां है गवर्नमेंट ग्रांट, आठवां है सिक्योरिटीज, नौवां है बोरिंग कॉस्ट, एंड दसवां है कंटिजेंट असेट के ऊपर। ये लास्ट याद रखिएगा, 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, नॉट मोर देन, याद रखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब होगा, नॉट मोर देन 36 मंथ। कोई भी एसेट को 36 महीने से कम आप होल्ड करते हो और बेच देते हो तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 36 महीने से ज्यादा होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लेकिन लिस्टेड इक्विटी शेयर में यही चीज, नॉट मोर देन 12 मंथ, 12 महीने से कम होना चाहिए। कोई भी शेयर को आप 12 महीने से कम रख के बेच देते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 12 महीने से ज्यादा रखते हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और अनलिस्टेड के शेयर में यही चीज, नॉट मोर देन 24 मंथ, 24 मंथ से कम रहा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और 24 मंथ से ज्यादा रहा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बस 100 क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, आपका क्वेश्चन एग्जाम में 40 मार्क्स का श्योर शॉट आएगा। थैंक यू।